पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के अवसर पर क्षेत्रीय खेल कार्यालय चित्रकूट धाम मंडल द्वारा जिला स्तरीय बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स स्टेडियम चित्रकूट में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन श्री अजय कुमार अग्रवाल, आजीवन सदस्य खेल विकास प्रोत्साहन समिति एवं श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज चित्रकूट इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, स्वर्गीय लाल भाई पटेल इंटर कॉलेज ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में भारी संख्या में बालक बालिकाओं ने भाग लिया, जिसमें 188 बालिकाएं तथा 242 बालकों ने कुल 430 बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम चित्रकूट में पहली बार जनपदीय प्रतियोगिता खेल विभाग द्वारा आयोजित की गई। निर्णायक की भूमिका में अवधेश कुमार सिंह, रमेश सिंह, प्रकाश सिंह, श्याम सुंदर यादव, श्री कृष्ण, अंगद सिंह, कामता प्रसाद, शुभम अख्तर व शैलेश कुमार आदि ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री विश्वकर्मा जी द्वारा मेडल पहनाकर उन्हें पुरस्कृत किया। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी विजय कुमार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को खेलों में आगे बढ़ाओ का आयोजन बहुत जल्द स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने बालक बालिकाओं को स्टेडियम में अभ्यास करने हेतु आमंत्रित किया है, क्योंकि जो परिणाम अभी प्राप्त हुए हैं वह प्रदेश में पदक प्राप्त करने योग्य नहीं है। उन्होंने सपना देवी की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने उन्हें थोड़ा सा सब्र दिया और आज उनकी कड़ी मेहनत है कि जेवलिन थ्रो में उन्होंने बुंदेलखंड सहित प्रदेश में पदक पाकर जिले का नाम रोशन किया है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी के अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा। उसी कड़ी में चित्रकूट में जनपदी एथलेटिक बालक बालिका खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन आज स्पोर्ट स्टेडियम चित्रकूट में कराया गया। ये पहला समय है कि जबकि भारी संख्या में यहाँ पर बालक बालिकाओं ने 10 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने पहली बार यहाँ भाग लिया। 188 लड़कियां, 242 लड़के, कुल 430 बालक बालिकाओं ने यहाँ पे भाग लिया। और जो अजय कुमार आपके अग्रवाल जी हैं, आज जिला खेल विकास प्रोत्साहन समिति के आजीवन सदस्य व श्रीजी इंटरनेशनल के, उन्होंने प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया और जिला प्रोबेशन अधिकारी चित्रकूट द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर उनका हौसला बढ़ाया गया मेरे द्वारा। क्या इस तरह से ये स्पोर्ट्स स्टेडियम पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है तो इससे क्या खेल प्रतिभाओं पे असर पड़ेगा कि नहीं? 100% खेल प्रतिभाओं पे असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार खिलाड़ियों के लिए पूर्ण रूप से जागरूक है और वो चाहती है कि अधिक से अधिक खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। लेकिन जो आज के परिणाम चित्रकूट के देखने को मुझे मिले हैं, जैसे बालिकाओं में 18 मीटर डिस्कस थ्रो, बालिकाओं में 10 मीटर शॉटपुट, ये बहुत ही कम है। इससे किसी भी प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में कोई भी पदक प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इन बालक बालिकाओं को प्रातः और सायंकाल दूसरी सारी चीजें छोड़ के कड़ी मेहनत करनी होगी। अंगद सिंह यहाँ हमारे एथलेटिक प्रशिक्षक हैं, खेलो इंडिया का यहाँ पे कैंप चल रहा है। खेल के जो उपकरण थे यहाँ पे पहले नहीं थे, लेकिन अब मेरे द्वारा मुहैया करा दिए गए हैं, तो बच्चे आए और यहाँ पे अभ्यास करें, जरूर वो प्रदेश स्तर पे नाम रोशन करेंगे। अभी मैंने एक जरा सा ब्रीफ एक बच्ची को बताया था, सपना देवी को, कि बेटे आप ये आइटम नहीं, आप ये आइटम करिए। उस बच्ची ने एक हफ्ता वो आइटम किया और यहाँ की पहली बच्ची है पूरे अपने बुंदेलखंड की जिसने जेवलिन थ्रो में अभी रिसेंटली लखनऊ में आयोजित प्रदेशीय महिला एथलेटिक प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करके आपके चित्रकूट का नाम रोशन किया है। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।